हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके नेट के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स का टारगेट यही है कि हमें जीआरएफ लेकर रहना है, अच्छे परसेंटेज से लेकर रहना है कि जब आप अपना सर्टिफिकेट दिखाए तो उसको भी लगे येस कि आपने बहुत अच्छे स्कोर से आपने अपना जीआरएफ क्लियर किया है। तो इसी कोशिश में आज मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज़ CAPM, कॉस्ट एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तीन टर्म्स हमारी क्लियर कर चलेंगे, देन हम मैं आपको इसका पूरा मॉडल कराऊंगी विद एग्जांपल, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या तीन टर्म्स क्लियर करनी है मैम, आप ये बताइए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सबसे पहले यही चीज़ बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, देन बीटा का इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है, बीटा यहाँ पर क्या शो करता है, देन KM क्या है। हम इन तीन टर्म्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये तीन टर्म्स क्लियर हो जाती है तो आपका CAPM बिल्कुल अच्छे से हो गया। ये जो वीडियो है ये आपके लिए एकदम बेस्ट वीडियो होने वाली है। विद इन 5 to 6 मिनट्स मैं आपको पूरा CAPM करा दूंगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको कराना स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइज, रिस्क फ्री रिटर्न वो रिटर्न होता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो आपको हर हाल में मिलेगा। इसमें आपका जो रिस्क होता है बिल्कुल ज़ीरो होता है। यस, इसमें आपका जो रिस्क है बिल्कुल ज़ीरो होता है और उस पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 100% गारंटी के साथ मिलेगा, ठीक है। तो है ना बढ़िया बात। बीटा होता है जो रिस्क को दिखाता है कि आप कितना रिस्क लेकर चल रहे हो, और KM का मतलब होता है कि आप जो रिस्क एक्स्ट्रा ले रहे हो उस रिस्क का आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। जब आप इस बीटा को उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका क्या आएगा, प्रीमियम निकल कर आएगा जो आपने उस एक्स्ट्रा रिस्क के लिए रिसीव किया है। ओके, आगे चले। ओके, अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब हम इस मॉडल को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए गाइस, आप कभी भी शेयर्स में किस लिए इन्वेस्ट करते हो, इक्विटीज़ के अंदर आप अपना पैसा किस लिए इन्वेस्ट करते हो, क्या रिस्क फ्री रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्ट करते हो? नहीं, बिकॉज रिस्क फ्री रिटर्न तो आपको बैंक से भी मिल जाएगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना पैसा लगा रहे हो वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप सिर्फ इस रिस्क फ्री रिटर्न को अर्न करने के लिए शेयर्स में पैसा नहीं लगाते, बिकॉज इक्विटीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। रिस्की अब कैसे होते हैं, क्योंकि जब कंपनीज इक्विटीज़ के साथ साथ प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, बैंक से लोन लेती है, अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते हैं फाइनेंस लेने के लिए, उसी अकॉर्डिंग इक्विटीज़ का रिस्क भी इंक्रीज होता जाता है साथ साथ, क्योंकि अब इक्विटीज़ का जो हार्ट बीट है बहुत फास्ट हो जाती है। उनको लगता है अरे कंपनी ने डिबेंचर से भी पैसा उठा लिया, बैंक से लोन भी ले लिया, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो हमें तो हमारा नंबर तो बिल्कुल लास्ट में है, कुछ बच गया तो ही हमें कुछ मिलेगा, वरना हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हमें तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है इक्विटीज़ को, सबसे बड़ा रिस्क यही होता है, उनकी गारंटी नहीं होती डिविडेंड को लेकर, पेमेंट को लेकर कैपिटल की, ठीक है गाइस। तो इसलिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं रिस्क फ्री रिटर्न को अर्न करने के लिए खाली शेयर्स में नहीं पैसा लगाते, जो वो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं इक्विटीज़ में पैसा लगाने का, उसको ऊपर में कुछ रिवॉर्ड चाहते हैं, कुछ प्रीमियम चाहते हैं, ठीक है। तो उसको अर्न करने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वे इक्विटीज़ में पैसा लगाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइस, आपने एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, ठीक है, और बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट देती है आपके डिपॉजिट पे, और आपको पता है बैंक में हमारा पैसा सेव है, हमें 5% रिटर्न मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है और कहीं पैसा लगाने की। एक बहुत रिस्की कंपनी है, ठीक है, अभी आपको अप्रोच कर रही है कि आओ हमारी कंपनीज की इक्विटीज़ खरीदो तो हम आपको 5% डिविडेंड देंगे, रिटर्न देंगे, ठीक है। तो क्या आप बैंक से पैसा विड्रॉ करके कंपनी में डालोगे? बिल्कुल भी नहीं डालोगे, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज जो आपको बैंक से 5% रिटर्न मिल रहा है वो भी सेफ सिक्योरिटीज, कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क। तो भाई हम पागल हैं हम कंपनी से पैसा लगाए, एक तो इतना रिस्क लेकर चल रहे हैं, हमें रिटर्न भी इतना मिल रहा है, जो हमें बैंक से मिल रहा है हमें कोई फायदा तो मिल ही नहीं रहा है एडिशनल एक्स्ट्रा रिस्क लेने का, तो हम कंपनी में क्यों डालें, हमारा बैंक में ही ठीक है, क्योंकि रिटर्न आपका इक्वल है, क्लियर। ऐसे ही
अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मतलब बहुत ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया जो बहुत मीडियम रिस्क लेकर चल रही है और कंपनी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और अगर वे आपको 8% का इंटरेस्ट देती है और बैंक आपको, कंपनी भी आपको 8% का दे रही है, तो भी आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्लियर? अब देखिए, कंपनी में आप तभी पैसा इन्वेस्ट करोगे जब आपको इस 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अगर कंपनी आपको 15% इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है तो ही आप सोचोगे हाँ हमें डबल बेनिफिट हो रहा है, हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है अगर हम इस सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब गाइस क्या है मेरा, कि जब आप एक कंपनी में शेयर्स में पैसा तभी लगाते हो जब आपको इस रिस्क फ्री रिटर्न के साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा रिस्क लेकर चल रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, उसका प्रीमियम आपको मिलता है। जब आप उस दोनों को टोटल कर देंगे तो वे क्या होएगा, वे कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी, बिकॉज उतना रिटर्न कंपनी आपको दे रही है जो आप लेना चाहते हो, और वही कंपनी की क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे CAPM। तो गाइस एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप खाली इस रिस्क फ्री रिटर्न को लेने के लिए कंपनीज में पैसा नहीं लगाते। ठीक है, तो आप कंपनीज के शेयर में पैसा किस लिए लगाते हो, जो आप एक्स्ट्रा रिस्क चल रहे हो लेकर चल रहे हो उसका रिटर्न, उसका रिवॉर्ड, उसका प्रीमियम आपको मिले। ठीक है, तो आप वे प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे, अब बात ये है। इट मींस, अब मैं आपको एक एग्जांपल से कराऊंगी। अगर आपको एक बैंक से पैसा डिपॉजिट करने से 5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आप ये सोचकर चलोगे कि जब हम कंपनी से पैसा लगाते हैं, अगर आपको एक कंपनी से 5% का, बैंक से अगर आपको 5% रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है, तो सीधी सी बात है कंपनी इसको बेंचमार्क की तरह लेकर चलेगी, स्टैंडर्ड की तरह लेकर चलेगी कि हमें हमारे शेयर होल्डर्स को इससे ज़्यादा रिटर्न तो देना ही होगा, तभी वे हमारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएंगे, है ना। तो कंपनी फॉर एग्जाम्पल 10% लेकर चल रही कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड रिटर्न देंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, तो इस रिस्क फ्री रिटर्न से ज़्यादा है, रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा है तो आप इससे ज्यादा ही इंटरेस्ट, कंपनी से ज्यादा ही इंटरेस्ट आपको देगी। ठीक है, तो जो वह 10% है आपका, यानी आपका 5% से ज़्यादा है, ठीक है, यानी डबल है, तो ये हमने कैसे निकाला, जो इसमें 5%, यानी जब आप, ये हमारा 10% है, ये 5% है, जो बीच का जो डिफरेंस है ये आपका रिस्क है जो आप लेकर चल रहे हो, ये आपके रिस्क का प्रीमियम है जो आप लेकर, जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी आप जो रिस्क एक्स्ट्रा ले रहे हो ये वो रिवॉर्ड है जो आपके एक्स्ट्रा रिस्क लेने से आपको मिल रहा है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप रिस्क कितना ले रहे हो, उसको भी तो देखना पड़ेगा। आप रिस्क मार्केट जितना ले रहे हो, आप मार्केट से डबल रिस्क लेकर चल रहे हो, आप मार्केट से थ्राइस रिस्क लेकर चल रहे हो। अब कैसे, जो अब यहाँ पर बीटा का काम स्टार्ट होता है, अगर बीटा 0 है इसका मतलब आपका रिस्क फ्री रिटर्न है, यानी आप 0 रिस्क लेकर चल रहे हो और फिर भी आप रिटर्न ले रहे हो। अगर बीटा 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप आपने जिस शेयर में पैसा लगाया है आप मार्केट जितना रिस्क लेकर चल रहे हो। जिसका बीटा 2 है इसका मतलब आप मार्केट से डबल रिस्क उठा रहे हो। ठीक है, अगर कभी भी इन शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है तो ये बिल्कुल मार्केट से जो शेयर है बिल्कुल साफ हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। जितना आप रिस्क लेकर जाओगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए बीटा 3 है तो इसका मतलब आप मार्केट के थ्राइस रिस्क ले रहे हो, 3 गुना ज़्यादा आप रिस्क उठा रहे हो। अगर इनमें हल्की सी फ्लक्चुएशंस हो जाती है शेयर्स की वैल्यू में तो बहुत बड़ा लॉस तक उठाना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इसमें कि बीटा अगर 0 है तो नो रिस्क, बीटा 1 है तो आप मार्केट जितना इक्वल रिस्क लेकर चल रहे हो, बीटा 2 है तो ट्वाइस द मार्केट रिस्क, बीटा 3 है तो थ्राइस द मार्केट रिस्क। क्लियर गाइज? अब आपने अब यहाँ पर हमने बात की थी कि 5% आपका रिस्क फ्री रिटर्न है एंड कंपनी आपको 10% दे रही है, तो जो बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 5%, ये आपका क्या है, रिवॉर्ड है जो आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका बीटा 1 है, ठीक है, आपने मार्केट जितना रिस्क इक्वल उठाया है 1, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो
प्रॉपर जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वे आपका एक्स्ट्रा रिस्क जो आपने उठाया है उसका रिवॉर्ड निकल कर आएगा, और जब आप उसको रिस्क फ्री रिटर्न के साथ प्लस कर देंगे जिसके लिए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो टोटल आपका क्या निकल कर आएगा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आएगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि इन्वेस्टर जितना टोटल रिटर्न लेगा वो टोटल रिटर्न कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट का काम करता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस पूरे थ्योरी में यही बात कही गई है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने इसको तरीके से आपको चीज़ें करा दी हैं, मैं ये आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर कंप्लीट उसको रीड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है गाइज। अगर कोई भी इशू है तो आप उसे कमेंट में पूछिए। देखिए गाइज, अब फॉर्मूला, मैंने आपको ये फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि रिस्क फ्री रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इसके लिए पैसा नहीं लगा रहे शेयर्स में, आप इसको लेने के लिए पैसा लगा रहे हो शेयर्स में, ठीक है। ये है बीटा, जितना रिस्क आप लेकर चल रहे हो, ये जो डिफरेंस निकल कर आएगा ये है कि आपने आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा एक्स्ट्रा। जब आप उस रिवॉर्ड को रिस्क के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब जब आप बीटा को रिस्क के साथ रिवॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, वे एक्स्ट्रा रिस्क जो आपने लिया है उसका रिवॉर्ड निकल कर आएगा, ठीक है। और जब आप उस रिस्क फ्री रिटर्न को जो आपको मिलेगा ही मिलेगा और उसको रिवॉर्ड के साथ प्लस कर देंगे, तो यानी आपका टोटल जो भी आप अमाउंट ले रहे हो, जो भी आप रिटर्न ले रहे हो कंपनी से, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंड यही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी की होगी इनडायरेक्टली, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कोई भी इशू आपको ना रहे और आपको अच्छा लगे एग्जाम्पल करके कि हाँ हमें CAPM तो आ गया है, मैंने वो अच्छे से हमें करा दिया है। देखिए गाइज, मैं ऑलरेडी अन अकेडमी पर रिम्पी गोयल मेरी ID है, वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट का बहुत अच्छा कोर्स क्रिएट किया है, बहुत फ्री एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड मैंने MCQ सीरीज भी साथ में चलाई हुई है जिसमें आपको नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आएगा, ओके। देखिए गाइज, अगर जो कॉस्ट है इक्विटी कैपिटल, यानी हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालिए कि कंपनी जब इक्विटी कैपिटल से फाइनेंस रेज करती है तो कंपनी की क्या कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। बीटा फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, इसका मतलब जो शेयर होल्डर है वह डेढ़ गुना रिस्क उठा रहा है मार्केट के कंपैरिजन। रिस्क फ्री रेट हमें गिवन है दैट इज 8%, यानी 8% आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। आप इसके लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो आप एक्स्ट्रा रिस्क कंपनी में लगा रहे हो, एक्स्ट्रा रिस्क अपना ले रहे हो, उसका रिवॉर्ड लेने के लिए आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे वे रिवॉर्ड, देखिए 12% आपको कंपनी मान लीजिए दे रही है, ठीक है, आपको 8% तो हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, तो आपने 4% एक्स्ट्रा रिस्क लिया, यानी आपको 4% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। आप रिस्क कितना ले रहे हो 1.5, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो प्रोडक्ट आएगा यानी वह आपका रिवॉर्ड निकल कर आएगा, ठीक है गाइस, ये आपका रिवॉर्ड निकल कर आएगा जिसके लिए आपने शेयर्स में पैसा लगाया है, ठीक है। तो आपका कितना आया, 6% आया, देखिए फटाफट मैं कराती हूँ आपको, 8% आया प्लस 6% आया, यानी ये तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको जो रिवॉर्ड मिला है एक्स्ट्रा रिस्क लेने का, उन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपको टोटल 14% का कंपनी से रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, एज अ डिविडेंड। ये आपकी इनकम हुई लेकिन कंपनी के लिए खर्चा हुआ, तो कंपनी जब इक्विटीज़ के थ्रू कैपिटल रेज करती है तो कंपनी की इतनी कॉस्ट टोटल पड़ी। तो यही हमारा पूरा कुल मिलाकर CAPM है, कॉस्ट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, एंड साथ ही साथ कोई क्यूरी है तो मोस्ट वेलकम, आपकी क्यूरीज में ज़रूर रिजॉल्व करूँगी, ठीक है गाइज। तो हमारा ऑलरेडी लगभग कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो चुका है, ठीक है गाइज, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का मतलब यही है कि रिटेन अर्निंग की भी कंपनी को कॉस्ट उठानी पड़ती है। आपको लगता है कि रिटेन अर्निंग तो फ्री में होगी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कंपनी उस पैसे को कहीं और नहीं लगा रही, अपनी कंपनी में ही लगा रही है। अगर वे बाहर की पैसा लगाती तो उनको इनकम होती, बट ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है गाइज। ऐसी ही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब कंपनी अलग अलग सोर्सेज के थ्रू पैसा लेती है और जब उन सभी सोर्सेज की कॉस्ट को कंबाइन करती है, उसका जब एवरेज निकालती है अलग अलग वेट्स देकर, तो ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आता है। तो गाइस कुल मिलाकर हमारा सारा चैप्टर हो गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब मैं आपको कराऊंगी कैपिटल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो से, ओके गाइस। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्यूरी है अच्छा कमेंट आप जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।